नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों मैं AKS राजवीर, आपका अनअकैडमी और YouTube एजुकेटर। दोस्तों आज से YouTube पर हम शुरू करेंगे एक टेस्ट सीरीज। दोस्तों NTA नेट इंग्लिश आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है, और दोस्तों पिछली बार भी मैंने आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की थी और उस टेस्ट सीरीज से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो दोस्तों आपके लिए एक बेहतरीन खबर ये होगी कि अब मैं फिर से एक टेस्ट सीरीज इस एग्जाम के लिए दोस्तों शुरू करने जा रहा हूं। पर डे आपको एक दोस्तों वीडियो मिलेगा, और उस वीडियो में जितने भी मैं क्वेश्चंस पूछूंगा उनको डिटेल में डिस्कस भी करूंगा, ताकि दोस्तों आप सिर्फ उस क्वेश्चन का आंसर बस ना जाने, उसका डिटेल भी जाने कि अगर उससे डिफरेंट क्वेश्चन आता है तो आप इजीली उसे अटेम्प्ट कर सके। तो दोस्तों आज से ये टेस्ट सीरीज शुरू होगी, पर डे आप इस टेस्ट सीरीज को कीजिएगा, और जो भी आपका दोस्तों स्कोर हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर आप मेंशन कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जब आप कमेंट बॉक्स पर लिखते हैं मैं आपको वहां पर आंसर करता हूं और मैं आपसे कनेक्टेड महसूस करता हूं। तो चलिए दोस्तों ये टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं, और आप मुझे अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर दोस्तों आपको मेरी प्लस क्लासेस मिलती हैं, यानी कि दोस्तों मैं आपका कंप्लीट कोर्स मैं आपको प्रोवाइड करता हूं बाइलिंगुअल इन इंग्लिश एंड इन हिंदी। सो डियर फ्रेंड्स, यू कैन ज्वाइन मी ऑन अनअकैडमी प्लस, यू कैन यूज माय रेफरल कोड दैट इज AKS राजवीर, हैव अ गुड डे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो का मैं सबसे पहला क्वेश्चन आप सबके सामने लाने जा रहा हूं, और दोस्तों आप रेडी हो जाएं, जितने भी क्वेश्चन सही होंगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपके लिए, डायलन थॉमसन अंडर मिल्कवुड 1954 इज नोन एज। तो दोस्तों डायलन थॉमस का ये वर्क है अंडर मिल्कवुड। तो दोस्तों आपको आंसर करना है कि क्या है ये, अ माइम, ए बी है दोस्तों अ रेडियो प्ले, सी है मेलोड्रामा, और डी है ऑल द अबव। दोस्तों उम्मीद है मुझे आप राइट आंसर देंगे, मैं वेट कर रहा हूं, आप आंसर कर सकते हैं। दोस्तों मुझे पता है आपने आंसर किया और आपका ये आंसर, चलिए मैं आपको दिखाता हूं इसका राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है अ रेडियो प्ले। दोस्तों जो ये वर्क लिखा अंडर मिल्कवुड, तो दोस्तों ये 1954 में आया, और इसको दोस्तों एडॉप्ट किया था किसने कि एक रेडियो प्ले के रूप में, तो दोस्तों BBC लंदन ने इसको एडॉप्ट किया था। यहां पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई बार हमें कंफ्यूजन हो जाता है कई सारी चीजों को लेकर के, जैसे कि अंडर द ग्रीन वुड ट्री अ रूरल पेंटिंग ऑफ डच स्कूल। तो दोस्तों ये एक नॉवेल है जो थॉमस हार्डी का है, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको जानना जरूरी होगा, और ये 1872 में आया था। दोस्तों जो ये वर्क आपको स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूं अंडर मिल्क वुड, तो दोस्तों ये डायलन थॉमस का वर्क है, और इसे इसका फिल्म एडॉप्टेशन भी अगर मैं बात करूं तो 1972 में इसका फिल्म एडॉप्टेशन हुआ था, यानी कि इस पर फिल्म बनी थी। और अंडर द ग्रीन ट्री अ रूरल पेंटिंग ऑफ द डच स्कूल, तो दोस्तों ये थॉमस हार्डी का वर्क है जो 1872 में आया था। और दोस्तों इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो अंडर द ग्रीन वुड ट्री एक पोयम है जो विलियम शेक्सपियर की है, और ये पोयम दोस्तों एज यू लाइक इट से डिराइव की गई है अंडर द ग्रीन वुड ट्री। तो दोस्तों आप बिल्कुल कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे इन सारी चीजों के बीच में। और डायलन थॉमस का ये वर्क अंडर मिल्कवुड, दोस्तों इस पर मूवी बनी, मैंने आपको बताया बीबीसी ने इसको एडॉप्ट भी किया, और काफी इंपॉर्टेंट प्ले है ये डायलन थॉमस का। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, द अमेरिकन फिलोसोफर चार्ल्स पियर्स इज नोन फॉर। तो दोस्तों चार्ल्स पियर्स को हम किस लिए जानते हैं, हमें यहां पर यह बताना है। दोस्तों आपके लिए ऑप्शन है क्वाइनिंग द टर्म सीमियोटिक्स इन 1867, देन दोस्तों फादर ऑफ प्रैग्मेटिज्म, देन सी ऑप्शन है आपका द फोनिक सिमेंटिक नोट, एंड देन ऑल द अबव। दोस्तों उम्मीद है मुझे आप आंसर कर रहे हैं, और आप आंसर कीजिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में राइट डाउन कीजिए, मैं दोस्तों आपको आंसर बताता हूं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का, अमेरिकन फिलोसोफर जो है चार्ल्स पियर्स, तो वो दोस्तों ऑल द एबव इन सारी चीजों के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों उन्होंने टर्म सीमियोटिक्स भी 1867 में कॉइन किया था, और सम टाइम दोस्तों हम इन्हें फादर ऑफ प्रैग्मेटिज्म के नाम से भी जानते हैं, एंड देन फोनिक सिमेंटिक नोट भी दोस्तों इन्होंने दिया था। अब यहां पर मैं बता दूं दोस्तों कि वो जो चार्ल्स सैंडर पियर्स हैं,
तो दोस्तों इनका जो रोल रहा है एक अमेरिकन फिलोसोफर, एक लॉजिशियन के रूप में और एक मैथमेटिशियन और साथ साथ दोस्तों साइंटिस्ट। मैंने आपको बताया कि इन्हें फादर ऑफ प्रैग्मेटिज्म भी हम कहते हैं। और दोस्तों इनके जो कॉन्सेप्ट हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि इन्होंने लॉजिकल पॉजिटिविस्ट की बात की हो या फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज की बात की हो, इन सारी चीज़ों पर और मैथमेटिक्स में जैसे इंडक्शन डिडक्शन है, रीजनिंग जो होती है दोस्तों, या फिर लॉजिकल ऑपरेशंस की बात करें तो इनमें इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल है। और दोस्तों यहां पर जो ऑप्शन सही है वो है ऑल द अबव। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाइडली एक्सेप्टेड एज बीइंग द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर इन फील्ड ऑफ कल्चरल स्टडीज। तो दोस्तों यहां पर कल्चरल स्टडीज की फील्ड में कौन सबसे ज्यादा वाइडली फेमस माना जाता है? तो यहां पर दोस्तों आपके लिए ऑप्शन है मार्गरेट मीड, स्टुअर्ट हॉल एंड देन क्लाउड लेवी स्ट्रॉस एंड नन ऑफ द आंसर आर करेक्ट। तो दोस्तों यहां पर जो चार ऑप्शन है इनमें से आप एक चूज करेंगे और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। दोस्तों यहां पर मैं अगर राइट आंसर की बात करूं, ये रहा दोस्तों आपका राइट आंसर। सो दिस इज द राइट आंसर, स्टुअर्ट हॉल। दोस्तों स्टुअर्ट हॉल को हम एक बेहतरीन फिगर के रूप में कंसीडर करते हैं, जिन्होंने कल्चरल स्टडीज पर काफी अपना बेहतरीन जिसे कहते हैं कंट्रीब्यूशन उन्होंने दिया। दोस्तों CCCS यानी कि ये जो दोस्तों बर्मिंघम यूनिवर्सिटी में इस्टेब्लिश किया गया था डिपार्टमेंट, तो दोस्तों उसमें स्टुअर्ट हॉल का एक बड़ा नाम आता है। और बेसिकली अगर मैं बात करूं दोस्तों कल्चरल स्टडीज की, अनअकैडमी में दोस्तों मैंने प्लस प्लेटफॉर्म पर कल्चरल स्टडीज कंप्लीट पढ़ाई है, मेरे जो भी मेरे प्लस लर्नर्स हैं वो जानते हैं। तो यहां पर मैं दोस्तों आपको बता दूं कि जो कल्चरल स्टडीज है तो एक ऐसी एरिया है जहां पर हम कुल मिलाकर के दोस्तों इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, एवरीडे लाइफ, सोशल रिलेशन और रिलेशन, सोशल रिलेशन ऑफ पावर, इन सारी चीजों को हम यहां पर एनालाइज करते हैं। तो कुल मिलाकर के दोस्तों एक थियोरेटिकली, पॉलिटिकली, इंपीरिसली एक इंगेज्ड एक कल्चरल एनालिसिस है जो कल्चरल स्टडीज है दोस्तों ये। और कल्चरल स्टडीज को दोस्तों और समझना है अगर हमें बेहतर तरीके से, तो हम इसको कल्चरल स्टडीज को जो डिफरेंट आपकी लिटरेरी थियोरीज हैं लाइक मार्क्सिज्म है, फेमिनिज्म है या फिर अदर जो लिटरेरी थियोरीज हैं उनके साथ हम कंबाइंड स्टडी करते हैं, पॉपुलर कल्चर हो या फिर दोस्तों हम आप जिसे कहते हैं पॉपुलर कल्चर और जो ऐसा कल्चर की जो एक नेग्लेक्टेड कल्चर है, इन सारी चीजों को हम यहां पर स्टडी करते हैं कल्चरल स्टडीज में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों ये क्वेश्चन है आपके लिए, हु हैज पेंड द वर्क सिविल डिसओबीडियंस इन 1849। दोस्तों यहां पर हमारे लिए ऑप्शन है महात्मा गांधी, देन है राल्पोल्डो इमर्सन, देन है हेनरी डेविड थॉरो एंड देन है वाल्ट व्हिटमैन। तो दोस्तों इनमें से आपको राइट आंसर बताना है। उम्मीद है दोस्तों आपने राइट आंसर ही किया है। चलिए दोस्तों मैं आपको इसका आंसर दिखा देता हूं। दिस इज द राइट आंसर, हेनरी डेविड थॉरो। और दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, वैसे अगर जब हम बात करते हैं सिविल डिसओबीडियंस की, तो दोस्तों सिविल डिसओबीडियंस यानी कि सविनय अवज्ञा, हिंदी में इसे बोलते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से इसको दोस्तों बहुत अच्छे से आप याद रख सकते हैं, यानी कि हम बहुत ही पोलाइट होकर के किसी चीज को नेग्लेक्ट करने वाले हैं। अगर मैं यहां पर बताऊं दोस्तों, तो जो हेनरी डेविड थॉरो हैं, तो हेनरी डेविड थॉरो दोस्तों इवन वो सपोर्टर रहे हैं सिविल डिसओबीडियंस के, और इसके लिए दोस्तों इन्हें एक दिन के लिए जेल भी हुई थी क्योंकि इन्होंने ऐसा किया। और हमारे यहां दोस्तों महात्मा गांधी इन इंडिया, तो दोस्तों इन्होंने सिविल डिसओबीडियंस का ये जो एक मूवमेंट है इसे चलाया था। दोस्तों ये जो वर्क है 1849 में आया था। और हेनरी डेविड थॉरो की दोस्तों अगर मैं बात करूं, तो ये हेनरी डेविड थॉरो का नाम दोस्तों कई सारे वर्क के लिए आता है, इनके काफी इंपॉर्टेंट वर्क हैं, जैसे दोस्तों अगर कहा जाए इनके वर्क को, सो द लास्ट डेज ऑफ जॉन ब्राउन एंड अदर, जैसे बहुत सारे इनके इंपॉर्टेंट वर्क हैं जिनका नाम दोस्तों ले सकता हूं मैं, और या फिर दोस्तों आप बहुत सारे इनके वर्क्स को देख सकते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्क हैं। और एक चीज दोस्तों मैं बता दूं आपको कि हेनरी डेविड थॉरो
जो आपका अमेरिकन ट्रांसजेंडरिज्म का मूवमेंट था उससे काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड रहे हैं, और एंटी स्लेवरी का जो कुल मिला करके बहुत सारे एंटी स्लेवरी राइटिंग भी इन्होंने की, रिफॉर्म पेपर भी इन्होंने लिखे, तो इनका काफ़ी इम्पॉर्टेंट इसमें कंट्रीब्यूशन है। चलिए दोस्तों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको ले चलता हूँ। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, यू कैन सी। सो दिस इज द क्वेश्चन, द मोस्ट extraordinary piece of wit and wisdom, who has made the above statement for the work Leaves of Grass? So dear friends, these are the option: Margaret Fuller, Ralph Waldo Emerson, Henry David Thoreau and Walt Whitman. Now I am looking for the right answer. Please दोस्तों आप अपना answer note down करें जल्दी से। तो दोस्तों उम्मीद है आपने राइट आंसर ही किया होगा, और अगर आपने दोस्तों राइट आंसर किया है तो आप मैच कर सकते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर है राल्फ वाल्डो इमर्सन। अगर दोस्तों मैं बात करूं लीव्स ऑफ ग्रास की, तो दोस्तों लीव्स ऑफ ग्रास ये वॉल्ट विटमैन का काफी इंपॉर्टेंट वर्क है, लीव्स ऑफ ग्रास। और दोस्तों ये जो वर्क है 1855 यानी 1855 में दोस्तों ये वर्क लीव्स ऑफ ग्रास पब्लिश हुआ था, और इस वर्क की दोस्तों काफ़ी इम्पॉर्टेंस इसलिए है कि यहाँ पर वाल्ट विटमैन ने जो ग्रास, लीव्स ऑफ ग्रास वर्ड यूज किया है, तो ये जो दोस्तों जो लीव्स वर्ड है ये पेपर हैं, किसके जो उन्होंने वर्क लिखा उस वर्क के पेपर हैं। और यहाँ पर दोस्तों लीव्स ऑफ ग्रास में काफ़ी वाल्ट विटमैन ने जो रिप्रेजेंटेशन किया है फिलॉसफी ऑफ लाइफ और ह्यूमैनिटी, इन दोनों को एक साथ उन्होंने रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है इन्होंने इस वर्क में। अदर इंपॉर्टेंट वर्क अगर देखें दोस्तों हम वाल्ट विटमैन के, तो अदर इंपॉर्टेंट वर्क में सॉन्ग ऑफ माइसेल्फ, और इसके अलावा दोस्तों एक इनका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है जिसे आप अब्राहम लिंकन की डेथ के साथ जोड़ करके देखते हैं, वो है व्हेन लिलैक्स लास्ट इन डोरियार्ड ब्लूम्ड। इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारे वर्क इन्होंने लिखे, लेकिन यहां पर मैं बता दूं दोस्तों ये वर्क इनका लीव्स ऑफ ग्रास काफी इंपॉर्टेंट वर्क है। चलिए दोस्तों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाता हूं। सो दोस्तों ऑन योर स्क्रीन यू कैन सी दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरो ऑफ गोल्ड। यहां पर दोस्तों जो क्वेश्चन है आपका, द एरो ऑफ गोल्ड इज अ नॉवेल पब्लिश्ड इन 1919, इट वाज ओरिजिनली टाइटल्ड द लॉफ एंड पब्लिश्ड सीरियली इन लेलॉयड्स मैगजीन फ्रॉम दिसंबर 1918 टू फरवरी 1920। द स्टोरी इज सेट इन मार्सेल इन 1870s ड्यूरिंग द थर्ड कैरलिस्ट वॉर। Who is the author of the novel? तो दोस्तों यहाँ पर The Arrow of God के बारे में जो मैंने इतना सारा डिटेल लिखा हुआ है, वो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो वो डिटेल मैंने इसलिए लिखा हुआ है कि ताकि आप इजिली और भी चीज़ों को समझ सकें The Arrow of Gold के बारे में। तो दोस्तों ऑप्शन है चिनुआ एच बी, जोसेफ कॉन्ड्रैड, देन आर्थर एडिंगटन एंड देन डी एच लॉरेंस। दोस्तों आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं अगर आप आंसर को देने के लिए काफी देर से वेट कर रहे हैं। चलिए दोस्तों मैं इसका राइट आंसर आपको दिखा दूं। राइट आंसर दोस्तों इसका है जोसेफ कॉन्ड्रैड। दोस्तों लीव्स सॉरी द एरो ऑफ गोल्ड, दोस्तों अगर मैं बात करूं द एरो ऑफ गोल्ड ऐसे नाम का दोस्तों ये जो नॉवेल है, तो इसे जोसेफ कॉन्ड्रैड ने लिखा। दोस्तों इसके अलावा मैं अगर आपसे बात करूं, सो एरो ऑफ गॉड, दोस्तों ये एक वर्क आया था एरो ऑफ गॉड, वहां पर ये नहीं है द एरो ऑफ गोल्ड है, लेकिन वहां पर सिर्फ ए डबल आर ओ डब्ल्यू एंड देन ऑफ एंड देन गॉड। एरो ऑफ गॉड जो वर्क है ये भी दोस्तों एक नॉवेल है और 1964 में आया था, और दोस्तों इस वर्क को लिखा किसने है, चिनुआ एच बी ने दोस्तों उस वर्क को लिखा है एरो ऑफ गॉड को, और दोस्तों जोसेफ कॉन्रैड ने द एरो ऑफ गोल्ड को, और डी एच लॉरेंस ने भी दोस्तों एक ऐसा ही वर्क लिखा है, डी एच लॉरेंस ने एरन्स रॉड, एरन्स रॉड दोस्तों इनका वर्क है डी एच लॉरेंस का। और अगर मैं बात करूं दोस्तों आर्थर एडिंगटन, तो दोस्तों आर्थर एडिंगटन भी एरो ऑफ गॉड से ही रिलेटेड हैं, और अगर आप पूछे कि कैसे एरो ऑफ गॉड से रिलेटेड हैं, तो दोस्तों जो एरो ऑफ, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि चिनुआ एचबी ने जो वर्क लिखा, यहां पर मैं क्लियर कर दूं थोड़ा सा दोस्तों, क्योंकि चिनुआ एचबी ने जो वर्क लिखा वो है एरो ऑफ गॉड, जोसेफ कॉन्रैड ने जो वर्क लिखा वो है द एरो ऑफ गोल्ड, और आर्थर एडिंगटन ने जो कॉन्सेप्ट दिया वो है द एरो ऑफ टाइम।
यानी एरो ऑफ टाइम का कॉन्सेप्ट आर्थर एडिंगटन, द एरो ऑफ गोल्ड ये जो दोस्तों नॉवेल है जोसेफ कॉन्राड का, द एरो ऑफ गॉड यानी कि चिनुआ एचबी का, और डी एच लॉरेंस का जो दोस्तों वर्क है वो है एरन्स रॉड। तो दोस्तों आपको क्लियर होगा ये सारे के बारे में। अगले दोस्तों मैं क्वेश्चन पर चलता हूं और अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपके लिए, द टाइटल ऑफ कार्लाइल्स सार्टर रिसार्टर्स मीन्स। तो दोस्तों जो सार्टर रिसार्टर का क्या मतलब है, आपके सामने ऑप्शन है द टेलर्स रिटेलर्ड सार्टर रिसार्टर्स एंड देन द टेलर रीस्टार्ट्स एंड ऑल द एबव। तो दोस्तों ये आपके लिए ऑप्शन है, आप राइट आंसर को सिलेक्ट कर सकते हैं। नाउ आई एम लुकिंग फॉर द राइट आंसर। दोस्तों उम्मीद है मुझे कि आपने राइट आंसर किया, और दोस्तों अगर आपने राइट आंसर किया है कमेंट बॉक्स पर ऑलवेज लिखें, और इसके बाद दोस्तों लास्ट में मैं आपको अगर आप जितने क्वेश्चन आप सही करते हैं जरूर बताएं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ये रहा दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, द टाइटल कार्लाइल सार्टर रिसार्टर। दोस्तों जो कार्लाइल का थॉमस कार्लाइल का वर्क है जिसका नाम है सार्टर रिसार्टर, तो दोस्तों ये जो वर्क है इसका मतलब क्या है, तो दोस्तों अगर आप देखें तो इस वर्क का मतलब है द टेलर रीटेलर्ड, द टेलर रीटेलर्ड। और दोस्तों ये जो पहला ऑप्शन है यही राइट आंसर है। दोस्तों ये जो नॉवेल है थॉमस कार्लाइल का 1836 में आया था, कब आया था 1836 में, सार्टर रिसार्टर, और काफी इंपॉर्टेंट है, और दोस्तों ये फ्रेजर्स मैगजीन में पब्लिश हुआ था। इसके अलावा दोस्तों ये जो वर्क है काफी इंपॉर्टेंट रहा, और इसमें दोस्तों अगर आप और भी थॉमस कार्लाइल के बारे में देखना चाहें तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप जरूर एक बार गूगल कीजिएगा और देखिएगा जरूर थॉमस कार्लाइल के बारे में, क्योंकि दोस्तों काफी बार इनसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। दोस्तों इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, हु वर द को ऑथर ऑफ डायलेक्टिक ऑफ एनलाइटनमेंट। तो दोस्तों डायलेक्टिक ऑफ एनलाइटनमेंट के कौन ऑथर्स रहे हैं, को ऑथर्स आपके लिए दोस्तों ऑप्शन है, और ये जो दोस्तों आपके लिए ऑप्शन है इसमें से है लॉरेंस ग्रॉसबर्ग एंड सिंडे नेल्सन, थियोडोर एडोर्नो एंड मैक्स हॉर्केमर, जॉन फ्रो एंड मेघन मॉरिस एंड रोलैंड बार्थ एंड माइकल फूको। सो दोस्तों कौन सा राइट आंसर है, नाउ आई एम लुकिंग फॉर द राइट आंसर, और दोस्तों आपका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में। दोस्तों अगर मैं इसकी बात करूं ये वर्क डायलेक्टिक ऑफ एनलाइटनमेंट, मैं दोस्तों आपको आंसर दिखाने जा रहा हूं, इसका दोस्तों जो राइट आंसर है वो है थियोडोर एडोर्नो और मैक्स हॉर्केमर। और दोस्तों मैं अगर बताऊं तो इसका जो रियल टाइटल था इस वर्क का, तो दोस्तों इस वर्क का जो रियल टाइटल था, क्योंकि ये जर्मन लैंग्वेज में था, और दोस्तों इसका जो रियल टाइटल था वो था डायलेक्टिक, जो इस तरीके से कुछ लिखा जाता है डी आई ए एल ई के टी आई के एंड देन डी ई आर डायलेक्टिक डर एंड देन इसके बाद ए यू एफ के एल ए आर यू एन जी ऑफ क्लांगरंग। तो दोस्तों ये कंप्लीट टाइटल था क्योंकि ये जर्मन लैंग्वेज में था और एक फिलोसफिकल वर्क था दोस्तों डायलेक्टिक ऑफ एनलाइटनमेंट, और दोस्तों ये वर्क लिखा गया था मैक्स हॉर्केमर और थियोडोर एडोर्नो के द्वारा। और दोस्तों यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि ये दोनों फ्रैंकफर्ट स्कूल से रिलेटेड थे, जो फ्रैंकफर्ट दोस्तों मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका फ्रैंकफर्ट स्कूल का, जरूर दोस्तों पढ़ करके जाइएगा अपने एग्जाम में। तो दोस्तों अब मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपके लिए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, इन बीइंग एंड टाइम 1927। जो दोस्तों ये वर्क है इन बीइंग एंड टाइम 1927 में आया, और इसको हेडगर ने लिखा, यानी कि मार्टिन हेडगर ने दोस्तों इसको वर्क को इस लिखा है। प्रोवाइड्स अ फेनोमेनोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस विच ही कॉल्स। तो दोस्तों यहां पर ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए एक फेनोमेनोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन दिया इन्होंने, मार्टिन हेडगर ने। अब दोस्तों यहां पर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कौन सा वर्ड दिया था और उसका क्या मतलब है। तो यहां पर ऑप्शन है प्रेजेंस, बीइंग देयर एंड रेजिन एंड ऑल द एवर। दोस्तों आपका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में, मैं वेट कर रहा हूं। उम्मीद है दोस्तों आपने राइट आंसर सेलेक्ट किया होगा। दोस्तों ये आपका राइट आंसर रहा आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों इसमें से सभी सही है, ऑल द एवर, प्रेजेंस, बीइंग देयर एंड रेजिन। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, पहले सबसे पहले दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि बीइंग
एंड टाइम, ये जो दोस्तों एक जर्मन वर्क है और जर्मन फिलोसोफर थे मार्टिन हेडगर जिन्होंने इस वर्क को लिखा। और दोस्तों इस वर्क का अगर मैं ओरिजिनल टाइटल की बात करूं, सेन एंड जेट, दोस्तों ये एस ई आई एन एंड देन यू एन डी एंड देन जेड ई आई टी, दोस्तों ये कुल मिलाकर के इसका टाइटल था कंप्लीट, मार्टिन हेडगर ने लिखा। एंड दोस्तों इसके बाद में बात करूंगा इस वर्क की। तो दोस्तों ये जो कुल मिलाकर के वर्क है जर्मन लैंग्वेज में था ही, मैंने आपको बताया, और इसको ट्रांसलेट किया गया था 1962 में जॉन मैक्री के द्वारा और एडवर्ड रॉबिन्सन, इन दोनों ने दोस्तों ट्रांसलेट किया था 1962 में, इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ। और यहां पर दोस्तों जो कॉन्सेप्ट दिया है एग्जिस्टेंशियलिज्म की, जो फिलॉसफी पुटअप की है, उसके लिए इन्होंने एक वर्ड यूज किया है डेजिन। डेजिन का मतलब ही होता है बीइंग देयर और प्रेजेंस। तो इसीलिए दोस्तों इसका ऑल द अबव राइट आंसर है, बीइंग देयर या फिर डेजिन कहा जाए या फिर दोस्तों प्रेजेंस कहा जाए, सभी का मतलब एक ही है। जीन पॉल सार्ट्रे ने भी दोस्तों एक वर्क लिखा था, आपको याद होगा, बीइंग एंड नथिंगनेस, 1943 में आया था दोस्तों ये बीइंग एंड नथिंगनेस, जीन पॉल सार्ट्र का ये वर्क था। अब दोस्तों मैं चलता हूं आगे अगले क्वेश्चन को ऊपर। दोस्तों बस आज के वीडियो के लिए बस इतने ही क्वेश्चंस थे। उम्मीद करूंगा दोस्तों आज का वीडियो मेरा पसंद आया होगा, और अगर दोस्तों पसंद आया है मेरा वीडियो तो दोस्तों शेयरिंग इज केयरिंग, प्लीज़ दोस्तों फॉलो कीजिए अनअकैडमी पर और यूट्यूब पर भी। और दोस्तों इसके साथ साथ जो भी मेरी क्लासेज होती हैं दोस्तों, फ्री क्लासेज या प्लस क्लासेज, ज्वाइन कीजिए दोस्तों और ईजिली नेट क्वालिफाई कीजिए। थैंक यू ऑल, हैव अ गुड डे।